नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड की राजधानी रांची में असरना समिति व अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में पाहन सम्मेलन का आयोजन रांची विश्वविद्यालय प्रांगण में किया गया, जिसमें मोराबादी, हटिया और मांझी विभिन्न स्थानों से पाहन और काफी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग उपस्थित हुए, जहां पर पाहन समाज के लोगों का सम्मान बढ़ाया गया। मौके पर केंद्र सरना समिति अध्यक्ष फुलचंद तिर्की ने कहा कि आदिवासी संस्कृति प्राचीन संस्कृति है और इसे सबों को मिलकर बचाना होगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज में कोई धर्म गुरु नहीं होता है, बल्कि गांव का पाहन ही धर्म गुरु माना जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी रूढ़िवादी संस्कृति को बचाना है और इसे हम नष्ट होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सरना कोड आदिवासियों का प्राचीन मांग है और होने वाले जनगणना में इसका विरोध सबों को करना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें सरना कोड के लिए लड़ना होगा, तभी हमें सरना कोड मिल पाएगा। केंद्रीय सरना समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में मोराबादी के छात्र मंडप रांची विश्वविद्यालय रांची के प्रांगण में आज हम लोग महान सम्मेलन का आयोजन किए हैं। इसका उद्देश्य यही है कि आदिवासी की रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति आज नष्ट होने के कगार में है, इसको लेकर आज हम लोग महान सम्मेलन का आयोजन किए हैं। और इस सम्मेलन में कांकेर क्षेत्र के, रांची क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से कांकेर, वर्मांझी, नामपुर, हटिया, उदाना एवं अन्य जगहों से पान मैथोरा मुड़ा महापुर लोग आए हुए हैं और आज अपनी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति जो शादी ब्याह नियम है, यात्रा संग्रह है, उसको लेकर के बहुत सारा वार्ता हुआ और इसमें यही कहा गया कि आदिवासी नहीं है और आदिवासी की धर्म संस्कृति परंपरा की एक विशिष्ट पहचान है और 2021 में हर हालत में आदिवासी को उनका धर्म कोड चाहिए। दूसरी ओर जो प्रार्थना सभा है, आदिवासी की रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति पर लगातार हमला हो रहा है। आदिवासियों का कोई धर्म गुरु नहीं होता है, धर्म भाई धर्म बहन नहीं होता है। आदिवासी के महान पुजार पूरा महत्व जो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो पूजा अनुष्ठान कराते हैं और महान ही सर्वोपरि है। महान धर्म गुरु धर्म भाई बहन का कोई स्थान नहीं है। दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी का जो वक्तव्य था कि आदिवासी हिंदू है, वो आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों का जो हिंदू परंपरा संस्कृति से कोई मेल नहीं खाता है और आदिवासी जन्म से लेकर मृत्यु तक पान के द्वारा अपना पूजा पाठ नेट नियम करते हैं, जबकि हिंदू समाज में पंडित के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है। और आज आदिवासी समाज 2021 की जनगणना में शामिल होने के लिए संघर्ष कर रहा है और सरना कोट की लड़ाई को लड़ रहा है और आगे भी अपना सरना कोट की लड़ाई जारी रहेगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।